बकरे की बलि देने से पहले उसको माला वगैरह पहनाया जाता है। बस इसी पोज का तो इंतजार था। मेरे तैयार होने के पहले मेरा लहंगा, ज्वेलरी और सैंडल पता नहीं कहाँ चले गए थे। सब कूल। वैसे बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा है ना? वो इसलिए क्योंकि हम इंडिया में हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं इंडिया आ चुकी हूँ, पर काफी कम दिनों के लिए आई हूँ, तो वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। पर आज मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मिली है, वो है ये मेरे शादी का एल्बम। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि दीदी अपनी शादी का एल्बम दिखाओ, एक यूट्यूब वीडियो ही बना दो। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, वैसे तो मैंने भी नहीं देखा इसे, तो फिर चलिए साथ में देखते हैं मेरी शादी का एल्बम। तो चलिए साथ में शुरू किया जाए एल्बम देखना। फर्स्ट पेज पर कौन सी फोटो होगी ये देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये क्या कर दिया? शादी के एल्बम के पहले ही पेज पर मुझे ये खून की प्यासी दुल्हन क्यों बना दिया है फोटोग्राफर ने? लोग तो कहते हैं कि शादी के दिन दुल्हन का रंग एकदम निखर कर आता है, लेकिन यहाँ तो इस दुल्हन के चेहरे का रंग ही उड़ चुका है। तो साकेत ये पोज कर रहा था, लेकिन आज शादी के 2 साल बाद ये पोज सच्चाई में बदल चुका है। ये फोटोज तिलक की हैं और ये है मेरी सेकंड वाली दीदी के हस्बैंड विशाल जीजा जी। ऐसा लग रहा है जैसे विशाल जीजा जी साकेत को शादी के पहले सतर्क कर रहे हैं कि देखो हम तो एक को झेल रहे हैं, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, देख लो। ये मेरे चाचा की बेटी शिल्पी दी हैं, ये मेरी सेकंड वाली दीदी हैं और ये मेरी बड़ी दीदी हैं और ये इनका बेटा है। जो लोग बिहार या झारखंड से होंगे उनको पता होगा कि हमारी तरफ की शादियों में लड़की का जो भाई होता है वही तिलक चढ़ाता है। पर मुझे ये नियम कभी समझ नहीं आया कि जिस लड़की का कोई सगा भाई नहीं होगा तो क्या उसकी बहन तिलक नहीं चढ़ा सकती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी शादी में साकेत का जो तिलक है वो अपनी बड़ी दीदी से चढ़वाऊंगा। ये मेरे छपरा वाले मामा के बेटे हैं और ये मेरी दीदी साकेत को गले में चेन पहनाते हुए। जिस तरह से बकरे की बलि देने से पहले उसको माला वगैरह पहनाया जाता है, तो साकेत का भी हाल कुछ यहाँ पर वैसा ही लग रहा है। ये मेरी सेकंड वाली दीदी हैं, ये मेरी मामी हैं और ये मेरी मम्मी है। ये साकेत के पापा हैं और ये है मेरे पापा। जी टीवी पर एक सीरियल आता था ना, सतरंगी ससुराल, तो मैं भी अपने घर की सतरंगी बहू हूँ, क्योंकि मेरी जो सास है उनकी 7 बहनें हैं और वो सभी मुझे अपनी बहू की जैसा ही मानती हैं। इसी पोज का तो इंतजार था, आसमान की तरफ देखता हुआ पोज। अगर फोटोग्राफर ने शादी में दुल्हन का ये पोज ना लिया तो छह धिक्कार है हम पर। ये मेरी सेकंड वाली दीदी का बेटा है अर्णव, जिसे हम प्यार से चेरी भी बोलते हैं, और ये मेरी बड़ी दीदी का बेटा है आरुष। ये सारी पिक्स हमारी संगीत की हैं, जो कि 19 जनवरी को थी। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. मैंने अपनी बड़ी दीदी के साथ परफॉर्म किया था अपने संगीत में।
यहाँ पर साकेत का छोटा भाई संगीत और साकेत का बेस्ट फ्रेंड सचिन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें साकेत की नीस शैली परफॉर्मेंस दे रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उसने। एंड मेरी नीस नैना वो भी बहुत अच्छा डांस करती है। ओह माय गॉड या इस पिक में साकेत की कजन्स ने बहुत ही अच्छा डांस किया था, एकदम धमाल मचा दिया था। और मेरे चचेरे भैया की बेटियों ने भी एकदम स्टेज तोड़ दिया था। इन बच्चों को कैसे भूल सकती हूँ मैं, शौर्य, आरुष, शेरी, इन सब ने तो स्टेज में लिटरली आग लगा दी थी यार। मतलब अलग ही स्वैग है इनका तो। ये देखिए, ये पिक देखिए जरा, भरे बाजार में साकेत एंकर के साथ फ्लर्ट करता हुआ, और मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है कि अच्छा बच्चू बस एक बार शादी हो जाने दो तब बताते हैं तुमको। ये तो पहले बता रहा था, सब क्वेश्चंस भी हैं। नहीं होंगे, पर इन फ्रेंड में ऐसा क्या स्पेशल था कि आपको लगा नहीं, ही इज द वन? मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मेरे गुस्से को झेलने वाला कोई है तो बस आई थिंक ये है। और इसके बाद इस पिक में साकेत मुझे अपने परफॉर्मेंस से मनाने की कोशिश कर रहा है। ये लो, इतने दिन के रिहर्सल के बाद भी साकेत को गड़बड़ तो करना ही था। वैसे अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी संगीत का पूरा वीडियो अपलोड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे घर में ना टैलेंट का जरीको कमी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो इस पिक में मम्मी, पापा, दीदी, जीजा जी, ये सारे लोग बहुत चगाते हैं। तो यहाँ पर इंडियन आइडल का डुएट राउंड शुरू हो चुका था। ये मेरे और साकेत के कपल डांस वाले परफॉर्मेंस की फोटो है जो संगीत के एकदम एंड में होने वाली थी। और संगीत के लास्ट में हमारा ये फोटो शूट हुआ था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था, और साकेत को भी बिल्कुल नहीं पसंद है ऐसे पोज करना, तो हमें तो बहुत ही हंसी आ रही थी। ये पिक्स हमारी शादी के सारे रस्मों की है, जैसे पन कटाई होता है, लावा भुंजाई, मटकोर, हल्दी, गिढ़ारी, आप लोगों को तो ये सब पता ही होगा। इस पिक में मेरे पापा मंडप पर तो बैठ गए लेकिन नजर शादी के खाने पर ही है कि कहीं एक इंसान एक से ज्यादा प्लेट तो नहीं ना उठा लिया। और ये है मेरी बड़ी दीदी के हस्बैंड विकास जीजा जी, जो एक डीएसपी होने के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल डीएसपी की पाठशाला में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते भी हैं। तो जो लोग आईएएस या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उनका चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। वाओ, अरे यार ये फोटो एडिटर को कितना शौक है मुझे खून की प्यासी दुल्हन दिखाने का। इस पिक के बैकग्राउंड में तो मेरे दिमाग में यही गाना चल रहा है। अभी फाइनली मेरी शादी के दिन के फोटोज स्टार्ट हो गए। पर शादी में मेरे तैयार होने के पहले मेरा लहंगा, ज्वेलरी और सैंडल पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं चोरी तो नहीं हो गए।
तो मैं यहाँ पर मरे जा रही हूँ कि मेरा लहंगा कहाँ गायब हो गया, और ये फोटोशूट वाले इसे यहाँ पर सरोजनी मार्केट के किसी कपड़े के जैसे लटका कर रखे हुए हैं। अरे भाई, दूल्हे के जूते चोरी करने हैं, दुल्हन के नहीं। बताओ, लैम्प को ज्वेलरी बनाकर पता नहीं कौन से चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है इन्हें। हमारी शादी रांची के मेफेयर से हुई थी, और स्टेज, मंडप, इन सारी चीज़ों के जो डेकोर आइडियाज थे वो मैंने ही दिए थे। इन सारी पिक्स में आप देख सकते हो कि बाराती डांस हो रहा है, और इस पिक में साकेत की हालत तो देखने लायक है। इस पिक में ऐसा लग रहा है जैसे साकेत के मामा जी सोच रहे हैं कि अगर शादी में चौथा बार मलपुआ नहीं मिला ना, तो लड़का आज मंडप में नहीं बैठेगा। आप लोग देख सकते हो, ये मेरे और साकेत के एंट्री के फोटोज हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do. हाँ हाँ, इसके अलावा और कोई गाना तो बज ही नहीं सकता है। What I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game, now we say. I need a break. ये मेरे in-laws हैं, यानी साकेत के पापा और मम्मी। ये इनके पापा हैं और ये मम्मी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। और मेरे मम्मी पापा को तो आप पहचानते ही हैं। इन सारे पिक्स में साकेत के कजन्स और साकेत और मेरे फ्रेंड। इस पिक में ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी साकेत से विनती कर रही है कि बस ले जाइए मेरी बेटी को और छुटकारा दीजिए मुझे इस आफत से। और ये साकेत सस्ते नशे करता हुआ। इस पिक में लग रहा है मेरी मम्मी पीक एकदम टून है। ये मेरी मीरा फुआ है, जो रिंकी की मम्मी की बुआ जी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगेन मेरे बाबा मन में प्लेट्स गिनते हुए 121, 122, 123। अरे महाराज, ये रायता लेने के लिए दूसरा प्लेट कौन उठाता है भाई। ये सारी पिक्स हमारे तरफ रस्म होती है, शंख पानी, लावा छीटना, इन सब की है। अभी लगता है सिंदूर लगाने के रस्म की सारी पिक्स आने वाली हैं आगे। और फाइनली एक खून की प्यासी दुल्हन को सिंदूर लग चुका है। बाप रे, साकेत ने तो सिंदूर की होली खेल दी है मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। इस पिक में साकेत से द्वार छिकाई के लिए नेगोशिएट किया जा रहा है कि कितने पैसे लेने हैं साकेत से। ओ बाप रे, फाइनली मैं अपनी विदाई की पिक्स देख रही हूँ। वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ, लेकिन ये मोमेंट किसी भी लड़की के लिए ऐसा होता है कि रोना कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये पिक्स देखते देखते ही इमोशनल हो जाऊंगी।
वाओ, मतलब पूरी शादी में मेरे दांतों में लिपस्टिक लगी हुई थी, और ये बात फोटोशूट के टाइम बताना जरूरी नहीं समझा इन्होंने। अगर आपको मेरे शादी का एल्बम दिखाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना, या फिर चाहते हो कि मैं अपनी शादी का पूरा वीडियो अपलोड करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे तरह तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी ना जरूर दबाना। बुझे